आज हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 11 आपकी। ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में आई है, तो मैंने दोनों में बना दी, आप लोग ले लेंगे। इसके साथ आपकी हिंदी सब्जेक्ट की भी वर्कशीट आई है, वो भी मैंने अपलोड कर दी है, तो ले लेंगे आप लोग। पहले से अच्छे से लेबल करते हैं, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, सब्जेक्ट क्लास अपना नाम टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, ठीक है, यानी रेशियो के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग, कि किसी को किसी के साथ कंपेयर करेंगे तो कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे कि 20 ग्राम स्ट्रॉबेरी 200 ग्राम एप्पल, यानी साइकिल की स्पीड क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा पर आर, और कार की स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आर। तो आज हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे। यहाँ क्या लिखा है, इन आवर डे टू डे लाइफ, यानी आज हम जो हमारी ज़िंदगी है आम दिनों की, वी जनरली कंपेयर टू क्वांटिटीज़, यानी कि हम हमेशा ज़्यादातर बल्कि दो चीज़ों को या दो से अधिक चीज़ों को एक दूसरे को कंपेयर करने में लगाते हैं। कि अब सिंपल देख लीजिए, आपके पास कोई मोबाइल, आपके दोस्त के पास कोई सा मोबाइल है, आप उससे ही कंपेयर करेंगे, मेरा कैमरा अच्छा है तुम्हारे में कैमरा अच्छा नहीं है, है ना। या मान लीजिए आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपकी कोई दोस्त किसी और की वीडियो देख रही है, आप उसको कंपेयर करने बैठ जाएंगे कि देखो मेरी मैम ऐसे पढ़ाती है, तुम्हारी मैम में ये नहीं है। तो क्या है, हम कुछ ना कुछ कंपेयर करते रहते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में हम कंपेयर करते रहते हैं। डूइंग सो वी कैन फाइंड हाउ मैनी टाइम्स वन क्वान्टिटी इज ऑफ द अदर, वॉट पार्ट वन क्वान्टिटी ऑफ द अदर फॉर दिस। यानी कभी कदार क्या होता है, जब इस तरह से कंपेयर करते हैं, तो जैसा मान लीजिए आप मेरी वीडियो को किसी और से कंपेयर करेंगे, तो हो सकता है कुछ चीज़ें मेरे में अच्छी निकलें उसमें बुरी निकलें, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें मेरी में बुरी हो और उसमें बहुत अच्छी हो, है ना। तो क्या है कि कभी कदार क्या होता है, जब हम तोलते हैं तो कभी ये पल्ला भारी होता है तो कभी ये वाला पल्ला भारी होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कुछ एक सही रहे, है ना। अब क्या लिखा है, वी यूज़ रेशियो टू कंपेयर क्वांटिटीज़, यानी कि कोई भी क्वांटिटी है उसको नापने के लिए हम रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज़ द यूनिट मस्ट बी सेम, लेकिन जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हों तो उनका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। सिंबल ऑफ रेशियो इज, रेशियो का सिंबल ये होता है इस तरह के दो डॉट जो कि यहाँ आपको दिखा रखे हैं। रेशियो डज नॉट कंटेन एनी यूनिट, यानी रेशियो का अपना कोई यूनिट नहीं होता, जैसे आप किलोमीटर में km लिखेंगे, है ना, या मिलीमीटर में m लिखेंगे, इस तरह से जो भी आप लिखेंगे, लेकिन रेशियो में कोई उसका अपना यूनिट नहीं है। अब देखिए, रिलेवेंट इक्विवेलेंट रेशियो किसे कहा जाता है, डिफरेंट रेशियो कैन बी कंपेयर्ड बाय कन्वर्टिंग दैम टू लाइक फैक्टर्स, यानी अलग अलग रेशियो को हम कन्वर्ट करके उसके बाद उसे कंपेयर करते हैं। इफ़ टू फैक्टर्स आर इक्वल, अगर दो फैक्टर्स इक्वल निकलेंगे, दैन वी से हम कह सकते हैं वी से द रेशो आर इक्विलेंट, यानी कि वो रेशो जो है वो बराबर हैं। अब यहाँ लिखा फाइंडिंग रेशो इज़ वन ऑफ देम सिंपल मैथड टू कंपेयर टू क्वान्टिटीज़, यानी कि अब हमें रेशो निकालने का सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि दो लोगों को बराबर से, मतलब दो लोगों में तुलना करना, दो चीज़ों में तुलना करना। रेशो ऑफ टू क्वान्टिटीज़ इज़ द फैक्टर्स, अब देखेंगे फ्रैक्शन। तो अब यहाँ देखिए कैसे दिखाया गया, एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ दिया गया कि 3 किलोमीटर में 300 मीटर, तो देखिए 3 किलोमीटर ही होगा 300 मीटर। अब पहले इसका यूनिट सेम करना है, यानी किलोमीटर को हमें मीटर में बदलना है, किसमें बदलना है मीटर में। तो अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, अब हम क्या करेंगे 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 हो जाएगा, 3300 से करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे ये देखिए, ये 3000 हम ऊपर लिखेंगे और बटे में हम रखेंगे 300, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखा था, अब दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, 3 * 3 = 3, 3 * 3 = 30, है ना। तो 10:1 आंसर आ गया आपका। अब आगे क्या लिखा, देखिए 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1 दर्जन में 12 पीस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसे याद रखेंगे। अब यहाँ लिखा है कीपिंग थिंग इन प्रोपोर्शन, यानी अब इसको आपको करना है, यहाँ क्या लिखा है, फ्लैग्स आर ऑलवेज मेड अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ द लेंथ टू इट्स ब्रेथ, यानी कि जो हम फ्लैग बनाते हैं ना उसका रेशियो, यानी लेंथ का और ब्रेथ का रेशियो हमेशा फिक्स्ड होता है, कभी कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं हो सकती। अब यहाँ लिखा है इन अ कंप्यूटर लैब, एक कंप्यूटर लैब में दे आर 3 computers for 6 students, यानी 6 बच्चों के ऊपर 3 computer हैं, ठीक है। तो हाउ मैनी कंप्यूटर विल बी नीडेड फॉर 24 students, यानी 24 बच्चों के लिए हमें कितने कंप्यूटर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 बच्चों पे कितने कंप्यूटर है, 6 बच्चों पे 3 computer है, हमें 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 * 6 = 24, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 12।
अब इसने से लिखा पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की पॉपुलेशन जो है यानी जनसंख्या जो है वो 570 लाख है, ठीक है, और यूपी की पॉपुलेशन कितनी है 1660 लाख, ठीक। अब ये राजस्थान का जो एरिया है वो 3 लाख स्क्वायर मीटर है जबकि यूपी का 2 लाख स्क्वायर मीटर है। तो अब आपको पहले में लिखना है हाउ मैनी पीपल आर देयर इन किलोमीटर थ्री दीज स्टेट। तो अब देखिए इन्होंने क्या काम करा, राजस्थान का आपको निकाल के दिखा दिया कि 570 थे लोग और 3 किलोमीटर था, उसको उससे डिवाइड करा, आंसर आ गया। अब यूपी का आपको निकालना है, आप निकाल लेंगे 1660 है यूपी के लोग और 2 है स्क्वायर वर्क, आप काट देंगे 2 एक कम 2 2 8 16 यानी 2 1 2 2 8 16 2 3 6 और 0 का 0। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 830। जैसे ही मैंने लिखा है सेम ऐसे ही आप लोग लिख लेंगे, मतलब लिखना है नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर और आपको ये एज इट इज़ लिख के यहाँ से ये हटा देंगे, ये लिखेंगे यहाँ से ये हटा देंगे, ये लिखेंगे और लाख का लाख रहेगा, ठीक। अब अगला आपका इन्होंने क्वेश्चन पूछा विच स्टेट इज़ लेस पॉपुलेटेड, कौन सा स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, सिंपल आप लिख देंगे राजस्थान, राजस्थान में पॉपुलेशन कम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ देखिए आपको क्या दिया गया है कि ये आपको पहला रेशो दिया गया फाइंड द रेशो। अब आपको 5 रुपये से 50 पैसे 15 किलोग्राम से 210 ग्राम और 9 मीटर से 27 सेंटीमीटर 30 दिन से 36 घंटे इन चारों का आपको निकालना है। तो चलिए एक लाइन से हम इन चारों को फटाफट देख लेते हैं। देखिए आप ये लिखा है 5 रुपये 50 पैसे, तो ये 5 रुपये का क्या हो जाएगा 500 रुपये क्योंकि हमें बराबर पैसों में गणना है, फिर 50 पैसे तो सेम वैसे ही आपके देखिए ये क्या आ गया आपका, ये आपका हो जाएगा ऐसे 500/50 जैसा अभी मैंने आपको सिखाया, ये 0 से 0 कट गया, 5 एक कम 5 5 दाम 50 तो ये देखिए 10:1 हो गया। इस तरह से आप लोग इसे लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं, देखिए 15 किलोग्राम है और ये ग्राम में, तो इसे पहले ग्राम में बदलेंगे, 1000 से 2 करेंगे तो ये 15,000 हो जाएगा 210, ठीक है। अब 15,000 को 210 से इस तरह से हम डिवाइड करेंगे तो देखिए पहले 0 से तो 0 कट जाएगा, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 3 के टेबल में 7 बार में आ जाएगा 21 और 3 5 15, बाकी के 2 0 ऐसे ही रहेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 500। आप इसको डिवाइड करके देख लेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपका 15,000 है ना और यहाँ आपका 21 है, देखिए इस 0 से 0 कट गया सॉरी अब ये हो जाएगा 3 7 21 और ये 3 5 15 और ये दोनों 0 एज इट इज़ ऊपर आ जाएंगे, देखिए 500 हो गया ये 7 हो गया, ये आपका बन गया रेशो में आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका यहाँ हो जाएगा 9 मीटर और ये हो जाएगा 27 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे, 900 मीटर हो जाएगा और उसका ये 27 सेंटीमीटर रहेगा। इसी तरह से इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे और ये आंसर आज डिवाइड करके इसका आंसर हम निकाल देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखो ये देखिए आपकी ये 30 है ना, तो 30 दिन में कितने घंटे होते, एक दिन में कितने घंटे, तो 24 घंटे है ना, तो 30 दिन में कितने हो जाएंगे, तो 30 दिन में हो जाएंगे 720 घंटे और 36 घंटे यहाँ दिए हुए हैं, इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20/1 रेशियो, है ना। तो करके देखेंगे आप लोग इस तरह से 7/20/736 लिखेंगे इस तरह से, यानी 720/36 है ना, और इसको आप डिवाइड करके देखेंगे, देखें आपका आंसर ये आता है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका यहाँ अगला क्वेश्चन लिखा है कैन यू गिव एनी अदर एग्जांपल वेयर वी यूज पॉपुलेशन इन आवर डेली लाइफ, यानी आप ऐसा कुछ एग्जांपल दे सकते हैं जहाँ हम लोग रेशो का इस्तेमाल करते हो। तो जी बिल्कुल, हम लोग बहुत सारी चीज़ों में रेशो का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप चाय बनाने जाते हैं, मम्मा क्या बोलती हैं, एक कप चाय बनाओगे 1 चम्मच चीनी डालना 1 चम्मच चाय पत्ती डालना, आ गया ना रेशो। इसी तरह से आप चावल बनाने खड़े होते हैं, मम्मा बोलती है 2 कप अगर आप चावल लेंगे पकाने के लिए तो उसमें जितने चावल हो उसका 1/4 पानी डालना, तो आ गया ना रेशो। तो इस तरह से हम रेशो निकालते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, इसका आंसर देखते हैं, लिख देते हैं कुछ एग्जांपल्स और उसके बाद हम अपनी वीडियो को फिनिश करेंगे। देखिए आप इसमें शुगर, सॉल्ट, टी, कॉफ़ी ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं रेशो के तौर पे ही हम इस्तेमाल करते हैं इनको, ठीक है। यानी शुगर 1 चम्मच लेना, सॉल्ट 1/2 चम्मच डालना है ना, या 1 पिंच डालना, तो इस तरह से आप लोग इसे लिख सकते हैं। तो आज की वर्कशीट को हम ये खत्म करते हैं, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।